नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत के सीनियर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने कलाई के फ्रैक्चर से उबरने के बाद नेशनल क्रिकेट एकेडमी में धीमी रफ्तार से गेंदबाजी करना शुरू कर दिया है, जिससे उम्मीद जगी है कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के आखिरी दो टेस्ट मैचों में वो चयन के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। शमी को 19 दिसंबर को एडिलेड में भारत की दूसरी पारी के दौरान पैट कमिंस की शॉर्ट गेंद सीधे हाथों पर लगी थी, जिससे उनकी कलाई में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था, जिससे उन्हें पूरी सीरीज से बाहर होना पड़ा था। इसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नहीं खेल पाए थे और उन्हें रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम के लिए वापस भारत भी लौटना पड़ा था। शुक्रवार को शमी ने बेंगलुरु की एकेडमी में गेंदबाजी करते हुए खुद का वीडियो ट्वीट किया, जिसमें वो नवदीप सैनी के साथ दिख रहे हैं, जिन्होंने ब्रिस्बेन के आखिरी टेस्ट मैच की पहली पारी के दौरान ग्रोइंग में चोट लग गई थी। मीडिया में आई खबरों के अनुसार शमी की कलाई अब ठीक है और अगले कुछ दिनों तक वो नेट पर धीमी रफ्तार से गेंदबाजी करेंगे। उसे एक दिन में 50-60% प्रयास से करीब 18 गेंद गेंदबाजी करने की सलाह दी गई है। टेस्ट क्रिकेट में मोहम्मद शमी ने भारत की तरफ से अब तक 50 टेस्ट मैचों में कुल 180 विकेट चटकाए हैं। इस दौरान उन्होंने 5 बार एक पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा किया। इसके अलावा उनके नाम वनडे में हैट्रिक लेने का भी रिकॉर्ड है। ये कारनामा उन्होंने वर्ल्ड कप 2019 में अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में किया था। आपको बता दें, टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में शानदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी। फिलहाल टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है। शुरुआती 2 टेस्ट मैच चेन्नई में खेले जा रहे हैं, इसके बाद बाकी बचे 2 टेस्ट मैच अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेले जाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।